लेके आए हुए हैं। मैं चाट खा रही हूँ सबसे पहले। पनीर लबाबदार, पनीर पता नहीं, छोले अमृत सही, पनीर लबाबदार। अभी हम लोग वापस आ गए हैं। जहाँ अभी गए थे हम लोग, देवांग को लेके प्ले एरिया टाइप का होता है जो, वहाँ पर हम्प्टी डम्प्टी करके है, हम्प्टी जम्प्टी जैसे जहाँ देवांग का बर्थडे हुआ था ना, वैसे ही यहाँ एक बहुत सारे हैं, तो एक उसमें से हम्प्टी जम्प्टी वहाँ लेके गई थी मैं देवांग को। सो जस्ट क्विकली आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वॉट ऑल आई परचेज फ्रॉम द बुक हॉल विच वी वेंट लास्ट वीक। तो मैं जस्ट क्विकली आपको शो करती हूँ। सो दिस ऑल द बुक्स विच वी हैव परचेज, which I have purchased actually, not Bipin. If Love Had a Price, this is the book. It looks so good to me. Famous author actually. इनके ट्विस्टेड सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं यू गाइज, अगर आपने नहीं सुना है तो। मतलब मेरे को भी पढ़ना है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। अभी मैंने ट्विस्टेड लव चालू किया है, बट दिस इज़ द बुक आई परचेज। ये मतलब मुझे बहुत सही लगी वहाँ पर, और ऐसा कुछ था नहीं, ट्विस्टेड सीरीज़ नहीं थी, नहीं तो मैं वो भी ले लेती। बट या दैट्स वॉट इट इज़। और ये है Forever a Promise More Than a Love Story, ये जसबीर सिंह की है। ये इंडियन ऑथर होंगे पक्का, इसलिए मैंने इनका ले लिया है, क्योंकि इंडियन ऑथर को भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो इसके कारण मैंने लिया। ये भी लव स्टोरी है, दिस वाज आल्सो द लव स्टोरी, यू नो, मतलब रोम कॉम मुझे सही लगता है आजकल, तो दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा एक और है द पार्ट आई लेफ्ट विथ यू, राहुल सानी की। ये भी इंडियन ऑथर लग रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लिया। इनकी कोई इतनी सारी बुक्स फेमस हुई हैं, इसमें से मैंने ये जस्ट फॉर यू देखा हुआ है बहुत ज़्यादा, पर पढ़ा नहीं है मैंने इसमें से कुछ भी। आपको भी पढ़े हुए हो तो लेट मी नो कैसा है उसका रिव्यू वगैरह। तो ये बुक बहुत सही मुझे अट्रैक्ट करी, दिस कलर और द प्रिंट, ओ वाव। ये भी रोम कॉम ही होने वाली फॉर श्योर। तो मैंने अ यंग लव स्टोरी आइड रत्ना और ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं आपको रिव्यू पक्का बताऊँगी। एंड देन आई परचेज दिस वन स्पेयर। ये स्पेयर, ये प्रिंस हैरी जो है ना, उनकी बायोग्राफी है, तो वो उनके बारे में है ये, मतलब ऐसा है। ये जो है ना, इसका मैंने एक्चुअली ऑडिबल में सुनना चालू किया था, और उन्हीं की वॉइस पे थी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन लोगों की यूके इंग्लिश बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो ये वाली बुक मैं बहुत ज़्यादा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस, बट मैंने भी दूसरी बुक स्टार्ट कर दिया पढ़ना। आई लेट यू नो इन अ वाइल, जस्ट गिव मी अ मिनट यू गाइस। तो ये मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, सीरियसली। अगर आप पढ़ी हुई है आपने, मुझे बताना कैसी लग रही है आपको। बहुत ज़्यादा फेमस बुक है ये। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ माई फेवरेट विल की है। विल स्मिथ जो है हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं, आपको तो पता ही होगा। इनका एक्चुअली मैंने ऑडिबल में पूरी बुक सुनी हुई है, इतनी अच्छी बुक है ना, लिटरली इफ़ यू वांट टू लिसन एनी बुक, मतलब ये आप सुन लो, पढ़ लो, बहुत अच्छा। वैसे ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में एक है ये। मुझे अभी भी बहुत कुछ याद है, ऑडिबल में सुना था, बट मैं ये बुक अपने साथ हमेशा रखना चाहती हूँ इसलिए मैंने लिया है। और ये उसमें उनकी बुक्स है, ये उनकी मम्मी के साथ कुछ फ़ोटोज़ थे यार, जो भी है बहुत सही बुक है ये। आई रियली, ये देखो उनकी वाइफ है जो, आई लव डिट यार। ये मेरे को फिर से पढ़ना है ये, फॉर श्योर आई विल गोना रीड दिस। और जैसे कुछ कभी समझ में नहीं आया व्हाट वी हैव टू रीड इट, तो आई जस्ट वांट टू गो बैक टू दिस काइंड ऑफ बुक और मैं फिर से उन्हें पढ़ूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बुक में आप कितने बुक पढ़ो वो ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आप 10 बुक भी पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और उसको आपको पता है उसमें क्या क्या लिखा था, तो दैट्स यू आर गुड टू गो। मतलब और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक को रीड करने से भी बहुत कुछ आपको पता चलता है कि अरे ये बात मेरे से मिस हो गई थी या मैं भूल गई थी, फिर से पढ़ोगे तो फिर याद आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई विल शो यू क्विकली मैंने क्या ख़त्म कर दिया है अभी, मतलब बुक पढ़ के। सो मैंने रिसेंटली ये बुक ख़त्म करी है, सुधा मूर्ति की डॉलर बहु बुक है। काफ़ी सही बुक है। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या पढ़ना चाहिए, जस्ट गो एंड परचेज दिस बुक। ये बहुत ही स्मॉल है, मतलब आप इसको 3-4 दिन में ख़त्म कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने 1 वीक लगाया इसको ख़त्म होने में, बट दैट्स वॉट इट इज़। बहुत सही बुक है। और ये इसमें यही बताया हुआ है कि अपन पैसे जब अपन को दिखते हैं तो हम कैसे अपनी लाइफ में अपना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लोगों के ऊपर, तो उसके बारे में बहुत सही कहानी है, बहुत अच्छा बताया, आपको बांध के रखेगा। और इट्स अ गुड रीड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। और इंडियन ऑथर है सुधा मूर्ति जी, तो आपको पता ही हुआ। एंड करंटली आई हैव स्टार्टेड दिस मंथ द अमेरिकन रूममेट एक्सपेरिमेंट। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it. Thank you भैया। यहाँ से मैंने गिफ्ट ले लिया और यहाँ से मैंने केक ले लिया, दोनों एक साथ, एकदम दोनों थे। और ये रहा केक और ये रहा गिफ्ट। अब हम चलते हैं अपनी कार की तरफ। ये हम लोग हैं शंकर नगर में एंड हियर इज माई कार यू गाइस। Juice got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come happy back. Birthday to you. Never gonna look back. You're never gonna look back. Yeah. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move